न्यूज राउंडअप, बहुत सारी न्यूज है, एकदम भर भर के नहीं, सारी न्यूज को एकदम आराम से डिस्कस करेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे। तो यार सबसे पहले तो काफी पुरानी न्यूज हो चुकी है वैसे अब, बट कोमैन विल स्टे एट बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन। कोमैन कहीं नहीं जा रहा है, और एक तरीके से बहुत अच्छा भी, क्योंकि अब कोमैन को जो जो साइनिंग्स उसको चाहिए थी वो करीब करीब उसको मिल रही है। अब उसके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं रहेगा, प्लस कोमैन को एक और साल मिल जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा ना कि यार हर साल रिजल्ट नहीं आया चेंज कर दो, रिजल्ट नहीं आया चेंज कर दो। तो कोमैन आराम से रुकेगा, वो एक साल तक देख लिया कि कैसी कैसी सिचुएशन बनती है लालीगा में, कैसी कैसी टीम्स खेलती है, और लेट्स होप कि नेक्स्ट सीजन वो इस साल से और भी ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, और नेक्स्ट सीजन हम लोग अच्छे अच्छे टाइटल जीते, क्योंकि यार बहुत अच्छी अच्छी साइनिंग्स हम लोग के पास अब आना स्टार्ट हो गई है। और यार ट्रांसफर्स की बात करते समय, साइनिंग्स की बात करते समय, मैं बात करना चाहूंगा वाइनेल्डम की। वाइनेल्डम बार्सिलोना आने वाला था, बट अब वाइनेल्डम बार्सिलोना नहीं आ रहा है, क्योंकि वाइनेल्डम को एक तरफ दिखा बार्सिलोना, उसको एक तरफ दिखा 4 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, वाइनेल्डम को एक तरफ दिखा रोनाल्ड कोमैन उसका फेवर्ड कोच, और दूसरी तरफ उसको दिखा पीएसजी का पैसा। तो उसने पीएसजी के पैसे को चुना और वाइनेल्डम अब वहां जा रहा है। ये जो डिसीजन है ना, ये हमारे लिए एक तरीके से अच्छा है। मेरे को पता है, मैंने अपने पिछले वाइनेल्डम वाला जब करीब करीब कन्फर्म हो गया था, तब मैंने बोला था कि यार वाइनेल्डम की साइनिंग काफी अच्छी हो सकती है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, फिजिकल प्लेयर है, ठीक है वो बात सही है। बट मैंने उसी वीडियो में एक और बात बोली थी कि वो पूछ का टाइम खाएगा, पेड्री का टाइम खाएगा, और इलाश मुरीबा का भी खाएगा। और यार यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि जॉन लपोर्टा और जो हमारा भी करंट बोर्ड है वो कितने अच्छे से सोच समझ के साइनिंग करता है। हमारा भी बोर्ड क्या सोच रहा था, क्या ठीक है 4 मिलियन देने पड़ेंगे पर साल का, ज्यादा महंगा नहीं है, अच्छी डील हो सकती है हमारे लिए, हम लोग को ट्रांसफर फीस नहीं देनी पड़ेगी, आना है आने दो वाइनेल्डम को, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस प्लेयर है। बट जैसे ही वाइनेल्डम ने बोला कि यार मेरे को ज्यादा सैलरी चाहिए, जैसे ही वाइनेल्डम ने देखा कि उसको 8 मिलियन मिल रहे हैं, तब लपोर्टा ने बोला नहीं भाई, 8 मिलियन के लायक तो प्लेयर हमारे लिए है नहीं, इसलिए हम लोग बैकआउट कर रहे हैं, ट्राई भी नहीं किया ना सेकंड बार। और यही एक अच्छी चीज़ है, यही एक अच्छी चीज़ है एक फर्म बोर्ड की, जिसको पता है कि वो कैसे डिसीजंस ले रहा है, जिसको पता है कि उसको आगे के हिसाब से प्लान करना है, जिसको पता है कि अभी की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है और उसके हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रिपोर्ट्स आ रही है कि मैनचेस्टर सिटी का काफ़ी तबला तोड़ प्लेयर, धांसू प्लेयर गुंडवान बार्सिलोना ज्वाइन कर सकता है। हालांकि इस न्यूज़ पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रिलायबल न्यूज़ नहीं है, बट न्यूज़ है इसलिए मैंने बता दिया। और यार एक और मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर है जिससे हम लोग लिंक्ड है, ऐसी न्यूज आ रही है, वो है गैब्रियल जीसस, और एकदम आउट ऑफ नोवेयर आ गया है, क्योंकि हम लोग अभी अभी एग्वेरो को साइन किए हैं, तो हम लोग एक नंबर 9 को और क्यों साइन करेंगे, कोई रीजनिंग ही नहीं बनती, बिल्कुल कोई लॉजिक ही नहीं बनता इस न्यूज का। नेक्स्ट न्यूज है उस प्लेयर की जिसका आना करीब करीब कंफर्म हो चुका है, और इसकी साइनिंग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हो जाएगी, या फिर यूरोस के बाद तो 100% हो ही जाएगी। मेम्फिस डिपाय बार्सिलोना आ रहा है, और उसने वाइनेल्डम की तरह किसी और दूसरे क्लब में जाने की कोशिश नहीं की, उसने बड़ी वेजेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने अपने फुटबॉल करियर की तरफ ध्यान दिया, उसको पता है कि रोनाल्ड कोमैन उसका एकदम अच्छे से यूज करेगा, तो मेम्फिस डिपाय बार्सिलोना आ रहा है। एक और डिफेंडर जो बार्सिलोना से अभी रिसेंट टाइम से बहुत हैवीली लिंक्ड हो चुका है, पहले भी लिंक हो रहा था, पिछले समर भी लिंक हुआ था, वो अब कुछ ज्यादा ही हैवीली लिंक्ड हो चुका है, वो है होजे गाया, और वो भी मैथ्यू एलमनी के आने से। और वैलेंसिया की करंट सिचुएशन अगर तुम लोग देखोगे ना यार, वैलेंसिया कितने 15th वगैरह पे कुछ पे खत्म हुई थी ना, खैर जो भी है, तो मतलब बेसिकली वैलेंसिया अच्छा नहीं कर रही है, इसीलिए होजे गाया उनके प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली ज्यादा विश्वास नहीं करता। प्लस जैसे कि मैंने बोला, मैथ्यू एलमनी अब बार्सिलोना में आ चुका है जो कि पहले वैलेंसिया में था, तो होजे गाया के आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर हम लोग होजे गाया को साइन कर लेते हैं, भाई भाई कम ऑन यार, कम ऑन, होजे गाया टॉप टॉप लेवल का प्लेयर है, हम लोग को लेफ्ट बैक में जॉर्डी अल्बा को रिप्लेस करने के लिए कोई चाहिए। होजे गाया अपने प्राइम में है, अटैकिंगली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिफेंसिवली तो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये आ जाता है बार्सिलोना में, काफी अच्छी न्यूज हमारे लिए हो सकती है। अब कुछ और भी डिफेंडर्स है जो बार्सिलोना से लिंक हो रहे हैं, वो है सोयुंचू, या फिर जैसा भी इसका नाम बोला जाता है, काफी अच्छा प्लेयर है, काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। दूसरा है मथियास डी लिग्ट, सबको इसके बारे में पता है, कोई इंट्रोडक्शन की इसको जरूरत नहीं है। थर्ड प्लेयर है मार्टिनेस, आईएक्स का प्लेयर है, काफी अच्छा प्लेयर है, काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंडर है, और काफी हैवीली लिंक्ड भी हो रहा है ये बार्सिलोना से। बट एक प्लेयर कुछ ज्यादा ही लिंक हो रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही लिंक हो रहा है, वो है लपोर्ट। जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी वाला लपोर्ट, और ये भी न्यूज़ आ रही है कि सर्जियो रोबर्टो भी उस ऑपरेशन में जा सकता है। और यार देखो अभी कैसा है ना कि जब से जॉन स्टोन्स आ गया, जब से रूबेन डियाज आ गया, तब से कोई प्रोमिनेंट रोल लपोर्ट ने प्ले नहीं किया है मैनचेस्टर सिटी में, इसलिए अगर लपोर्ट आ जाता है बार्सिलोना में तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि अपने प्राइम में है भाई बंदा, बंदा अपने प्राइम में है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमारी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब यार चलते हैं एक डिफेंडर से दूसरे डिफेंडर की तरफ जो कि पहले से हमारे यहाँ मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लेमेंट लॉन्गले की। लॉन्गले ने अभी अभी एक इंटरव्यू दिया है, सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने बोला है कि यार मैं बार्सिलोना नहीं छोड़ रहा, मैं बार्सिलोना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं नेक्स्ट सीजन और भी अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करूंगा। अब यार देखो ऐसा है कि हम लोग लॉन्गले को बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस दे चुके हैं, और लॉन्गले जब जब बड़े गेम्स आते हैं तब तक जिस लेवल पे उसको परफॉर्म करना चाहिए वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा। सीजन के एंड में लॉन्गले अच्छा फॉर्म पकड़ लिया था, कोई डाउट नहीं है उसमें, अच्छा डिफेंडिंग कर रहा था, बट क्या वो बार्सिलोना के लेवल का है, मेरे को नहीं लगता। और क्या जब लपोर्ट जैसा डिफेंडर हमारे यहाँ आ सकता है, जब अराउहो जैसा डिफेंडर हमारे यहाँ पहले से है, जब मिनगीजा इतना अच्छा खेल रहा है, तब क्या हम लोग लॉन्गले पे
पूरा 100% विश्वास कर सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम लोग एक अच्छा लेफ्ट सेंटर बैक बाय कर लेते हैं तो लॉन्गले को जाना ही पड़ेगा। अब और दो प्लेयर्स जिनका जाना करीब करीब कंफर्म हो चुका है वो है कुटिनियो। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आए कि कुटिनियो अभी भी अपनी इंजरी से 100% रिकवर नहीं हुए, इसलिए उसको मार्केट में सेल करना थोड़ा थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। बट यार हम लोग को उसको सेल करना ही पड़ेगा। एक तो उसकी वेजेस बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात यह है कि उसका बार्सिलोना में कोई आउटपुट नहीं आ पाएगा। जब हम लोग की मिडफील्ड में पेड्री जैसे प्लेयर आ चुका है, जब पूज जैसा प्लेयर आ चुका है, सब पुरानी बात है, तब कुटिनियो का रहने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए अगर हम लोग को उसको कितना 40-50 मिलियन भी मिल जाए उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो हमारे लिए। अब एक और अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि प्यानिच यूवेंटस जा सकता है। उनका जो नया कोच आया है एलेग्री, जो कमबैक किया है, उसको प्यानिच बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो प्यानिच को बाय करने का बिल्कुल ट्राई कर सकता है। और प्यानिच इस साल वैसे भी जाने ही वाला है, क्योंकि उसका जैसे कि मैंने बोला मिडफील्ड हमारी पहले से भरी हुई है, तो ऐसे प्लेयर जिनका बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं है उनको रख के कोई मतलब नहीं है। अब यार चलते हैं एक और प्लेयर की तरफ जिसकी सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस्मान डेम्बेले की। बार्सिलोना वाले ट्राई कर रहे हैं कि उस्मान डेम्बेले का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे, डेम्बेले रिन्यू नहीं करना चाहता। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि डेम्बेले यूरोस के बाद सोचेगा, अभी तक उसने अपना माइंड बनाया नहीं है। तो हाँ, बस वही है। और देखो यार, ऐसा है ना कि जब मेम्फिस डिपाय आ जाएगा और जब एग्वेरो आ चुका है हमारे पास, एंजू फाटी नेक्स्ट सीजन तक फिट हो जाएगा, मेसी हमारे पास है ही, एलिक्स क्वाडो को हम लोगों ने ऊपर बुला लिया है, उसको ए टीम में बुला लिया है, ट्रिनकाव हमारे पास है ही, ग्रीजमैन हमारे पास है ही, तो डेम्बेले को अगर हम लोग बेच देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। यार अब वीडियो को एंड करते हैं एक सैड न्यूज़ के साथ। बूसी अपना सर्जियो बुस्केट्स, उसको कोरोना हो चुका है, तो वो जो है यूरोस का जो स्टार्टिंग है, ऑब्वियसली वो स्पेन का कैप्टन था, तो यूरोस का स्टार्टिंग जो है वो मिस करेगा। पहला मैच जो स्वीडन के अगेंस्ट है मेरे ख्याल से, उसको वो मिस करेगा। तो बस यार वही था। फिर अब आगे इंटरनेशनल मैचेस आ रहे हैं, यूरो स्टार्ट हो रहा है, कोपा अमेरिका स्टार्ट होने वाला है, तो आराम से बैठ के प्रीव्यू करेंगे, फिर उसके बाद उसका रिव्यू करेंगे। तो बस वही काम है अपना। ठीक है, तब तक के लिए विस्का एल बार्सा।